उसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। इसमें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी पीछे से। ट्रक ने टक्कर मार दी। हाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद साहिल। आज हम खड़े हैं मारुति इग्निस के सामने। इग्निस का आज हम करने वाले हैं प्रॉपर ओनरशिप एक्सपीरियंस। गाड़ी को हमको लगभग डेढ़ साल हो गए हैं, तो इसका आज हम प्रॉपर ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इसका हम जानेंगे पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और गाड़ी हमारी कैसी ड्राइव हुई है। इसमें गाड़ी में एक थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हुआ है, तो उसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल आपको देखने मिल जाती है। तो अगर आपका बजट इग्निस लेने का है 5 से 7 लाख के बीच में और अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं तो ये ओनरशिप आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप मारुति के फैन बॉय हैं या मारुति के हेटर हैं फिर तो आपको ये वीडियो देखना बनता है। तो बुलाते हैं हम गाड़ी के ओनर को और फिर जानते हैं हमारी ऑल न्यू इग्निस के बारे में। तो हम मिलाते हैं हमारे ओनर से और सबसे पहले आपका चैनल वेलकम है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो वीडियो हम तीसरी बार शूट कर रहे हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई हमको, कहीं वीडियो करप्ट हो जाएगा, हमारी थार का भी वीडियो था वो भी थोड़ा डिलीट हो गया था, तो तीसरी बार शूट कर रहे हैं। तो एट द एंड तक आप देखना ज़रूर, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चलेंगी और हमारी इग्निस के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही पूछता हूँ कि ये गाड़ी आपने कब परचेस करी? ये 1.5 साल पहले की थी मैंने। 1.5 साल आपको गाड़ी परचेस कर? हो गया। और कितनी गाड़ी आपने ड्राइव कर ली है? 13-14 हज़ार कुछ। 13-14। हाँ। यार एक क्वेश्चन आता है कि इग्निस जो गाड़ी है वो थोड़ा सा मतलब फैमिली के हिसाब से छोटी हो जाती है। हाँ। मतलब आप 5 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। हाँ। तो तब भी आपको ये चूज करने की कोई स्पेसिफिक वजह? वैसे तो हम लोग 5 लोग बैठ जाते हैं, फैमिली वाइज 5 ही लोग जाते हैं हम लोग। हाँ, तो मतलब एकदम अच्छा नहीं और एकदम खराब नहीं, एक एवरेज मिल जाता है, बैठने मिल जाता है। और अभी तक इसे आपने 13-14 हज़ार में चला लिया है गाड़ी। हाँ। तो इसके अलावा आपने कोई और मतलब गाड़ी भी देखा था कि मतलब जैसे इसी प्राइस रेंज में? हाँ, टियागो देखी थी। हाँ। और बलेनो भी देखी थी। तो फिर लेकिन टियागो में थोड़ा सा बूट स्पेस का इशू था। अच्छा। और बलेनो बिल्ड क्वालिटी स्पेस, तो फिर इसमें भी मतलब उतना कुछ ऐसा? हाँ। ज्यादा बड़ा स्पेस है? हाँ, थोड़ी सा टियागो से ज्यादा बेटर लगा और टियागो से थोड़ी सी बड़ी भी लगती, वो टियागो बहुत छोटी। देखा जाए तो गाड़ी जो है मतलब एक छोटी सी, बिल्कुल जो हम कहेंगे SUV डिजाइन में गाड़ी। हाँ। हमारी SUV नहीं है, पर इसका जो डिजाइन एक बनाया गया है, जो उसकी बॉडी बनाई गई है, वो थोड़ा सा एक मतलब आपको दूर से अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा छोटा बच्चा जो लगता है SUV का, माइक्रो SUV है ना, माइक्रो SUV टाइप का है, ये देखने लगेगा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब अभी तक आपने 13-14 हज़ार गाड़ी चला ली है, क्या फ्यूल इकोनॉमी सर्विस जो कुछ भी है मतलब इसका एक बताइए मुझे। ये 18 का एवरेज निकाल देती है, 18-19 का एवरेज निकाल। हाँ, और चलाने में तो बहुत अलग ही फील आता है इस गाड़ी को चलाने में, बहुत स्मूथ है। तो आपका सिटी का ही ड्राइव है कि बाहर भी? बाहर लॉन्ग टूर पे भी ले जाते हैं। तो लॉन्ग टूर में इसका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गाड़ी क्या छोड़ी? गाड़ी मतलब ऐसा कहीं से नहीं लगा कि गाड़ी हीट हो रही है लॉन्ग टूर पे जाने में, कोई भी आज तक कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, तो कितना कोई भी प्रॉब्लम नहीं अभी तक? ये कोई 500 किलोमीटर तक चला सके। 500 किलोमीटर? हाँ, 500 तो ठीक है, मतलब उसमें आपको पूरा 2-3 दिन में मतलब ऐसा निकले तो। उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ गया? हाँ, गाड़ी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे गाड़ी में कि गाड़ी में आपके साथ एक मेजर मतलब इंसिडेंट भी हो गया था। हाँ। जिससे बिल्ड क्वालिटी का पूरा रियल टेस्ट कर लिया था। हाँ। क्या मारुति की हम गाड़ी जब भी लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि आप ही देखेंगे मारुति की गाड़ी हो गई, ये हो गई, बलिनो हो गई, इनमें मतलब आपको एवरेज तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हाँ। पर बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा मतलब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसका ही भाई ने एक रियल टेस्ट कर लिया था कि आपको पता चल जाए, पूरा टेस्ट कर लिया था उन्होंने और जाना था बिल्ड क्वालिटी का। तो आप क्या इंसिडेंट बता रहे हैं जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। इसमें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी पीछे से। ट्रक ने ही टक्कर मार दी? हाँ, खड़ी गाड़ी पे। अच्छा, अच्छा। तो ये थोड़ा सा इसका इतना जो है ना पूरा अंदर चला गया था। तो मतलब ट्रक क्या ज्यादा है, क्या हाईवे वगैरह? 20 की स्पीड में होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ट्रक स्लो ही था बहुत ज्यादा। हाँ, 20 या 30। गाड़ी पूरी सरक गई थी। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेंट पड़ गया था। तो मतलब डेंट बस पड़ा था गाड़ी। हाँ। की अंदर से पिचकी यहाँ से यहाँ से, हाँ बस इतना। तो ये बस चेंज हुआ बस, बाकी तो कुछ ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं। मतलब अगर दूसरी गाड़ी होती तो शायद मेजर इंसिडेंट हो जाता। हाँ, और थोड़ी सा ऊंचाई के कारण भी। हाँ, मतलब ट्रक का हाँ, नीचे का जो पार्ट और ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बाहर निकला, नहीं तो अगर डायरेक्ट लगता तो ये भी डैमेज हो सकता। पीछे अगर आप कोई लोग बैठे वगैरह तो नहीं थे? बैठे थे ना। तो उनके साथ फिर क्या कैसा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अंदर, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। हाँ। पर बिल्ड क्वालिटी जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लोग छूने, एक एवरेज है इग्निस की बिल्ड क्वालिटी, एवरेज बोल सकते हैं। बहुत छोटा मोटा है तो झेल लेगी, अगर बड़ा कभी होता है तो वो आप बिल्कुल टेस्ट ना करना कभी। इसको तो आपने टेस्ट कर लिया है, पता चला उसको भी कर ले। तो अच्छा, सर्विसिंग वगैरह हम कराते हैं इसकी। हाँ। तो इंश्योरेंस वगैरह में क्या कैसा आपको मतलब प्रॉब्लम? जब उस टाइम पे कराया था इसका तो इसकी एक साल हो गए थे, एक साल बाद एक्सीडेंट हुआ था, तो 7 हज़ार कुछ का खर्चा आया था। टोटल सर्विसिंग भी कराई थी, 10 हज़ार चल गई थी जब। अच्छा।
तो पूरा टोटल लगा ही 7,000। हाँ इंश्योरेंस क्लेम किया था, प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, क्या कि मेरे पास टाटा की कार थी तो उसमें एक्सीडेंट जब हुआ था तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग गया था उसका जब इंश्योरेंस हमने क्लेम वगैरह करते हुए, और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो मारुति में एक चीज है कि हाँ 13 दिन में दे दी थी उन्होंने, 13-14 दिन में दे दी। अच्छा, मतलब ज्यादा आपका मेजर एक्सीडेंट भी नहीं था, थोड़ा बहुत पार्ट्स चेंज करना था मैकेनिक वगैरह सर था नहीं। अच्छा, जैसे हमने गाड़ी में देख रहा हूँ कि गाड़ी हमारी टॉप मॉडल नहीं है, पर स्टिल गाड़ी में आपने बहुत सारे मतलब एक्सेसरीज लगवाई हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताइए। इसपे अलॉय वगैरह हम लोग ने डलाए थे कंपनी से, कंपनी से ही आपने ये वाले डलाए थे। क्या प्राइसिंग वगैरह में आ गए थे आपकी? यस 27,000। 27,000 में तो बाहर से भी लगवा लेते, शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाता आपको। वो शोरूम से लगवाने थे क्योंकि मतलब गाड़ी वहीं से रेडी करके निकालनी थी तो इसीलिए, और थोड़ा सा कंपनी पे ट्रस्ट रहता है कंपनी। हाँ, एक प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। हाँ, ये फॉग लैंप वगैरह लगवाई थी, इसमें नहीं आती, इसके ऊपर वाले मॉडल में भी नहीं आती शायद, ये बेस मॉडल है, ये बेस मॉडल है। हाँ, तो अच्छा आपने मतलब टोटल कितने के एक्सेसरीज लगवा ली थी इसमें? एक किट लगवाई थी 51,000 की। 51,000। हाँ, और ये अलॉय का अलग से। और अगर इसका ऊपर अगर आप मॉडल ले लेते तो कितने का पड़ रहा था वो, मतलब कितना डिफरेंस? उसमें 95,000 का डिफरेंस था। अच्छा, लेकिन उसमें अलॉय नहीं मिलते। अच्छा, मतलब उसके बाद भी आपको अलॉय नहीं मिल रहा? अलॉय नहीं मिल रहे थे, उसमें रूफ रेल्स आ जाती है और पीछे पावर विंडो। हाँ, मतलब ये ज्यादा और उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं था। गाड़ी जब ले रहे हैं तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लो, क्योंकि कई बार आप मतलब एक ऊपर वेरिएंट पे जाते तो उतना अच्छे से मिल नहीं पाता। हाँ, तो जैसे आपने 1.5 साल गाड़ी चला ली है, हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए, तो नेगेटिव आप इसमें क्या बताएंगे? ऐसा कुछ खास तो लगा नहीं वैसे, बस तो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का लगता है ज्यादा। क्वालिटी तो आपने चेक करी है तो उसका तो ही जाएगा। बस बाकी कुछ मतलब एक गाड़ी बहुत अच्छी लगी चलाने में, तो बहुत फील अलग ही आता है इस पर। और बाकी कुछ ऐसा इशू हुआ भी नहीं गाड़ी के साथ, मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव आपको समझ में नहीं है? सिटी वगैरह की गाड़ी काफी कंफर्टेबल हो जाती है, और जैसे बोलते हैं कई लोग, मतलब मैंने सुना है कि इग्निस का जो पावर है वो मतलब सिटी के हिसाब से ठीक है, पर हाईवे वगैरह हम जाते हैं तो ओवरटेक करने में कई बार थोड़ा सा मतलब ट्रिपल डिजिट में चलाने में वैसे प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मैंने ऑफ रोडिंग में भी मतलब 4-5 हम लोगों ने बैठ के की है। ऑफ रोडिंग भी कर लिया आपने? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, 4-5 बैठ के। इसका तो पिकअप का तो कुछ इशू हुआ ही नहीं लगा, वो नॉर्मल ही लगता है उसमें। काफी अच्छा है क्या कि और हाईवे में भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने 135 मतलब इतना चलाता नहीं हूँ, कभी चलाई शेक वगैरह नहीं होती? नहीं, मतलब कुछ खास नहीं। अच्छा, तो 135 क्या अकेले चला रहे थे कि 2-4 लोग बैठे हुए थे? 3 लोग। हाँ, मतलब एक ये है कि 3 लोग या 4 लोग, वेट मिल जाता है गाड़ी को तो उतना ज्यादा वो डिसबैलेंस होती है। बाकी नाइट में इसकी नाइट में ही चलाई थी, लाइट भी इसकी काफी अच्छी है, इसमें हमको येलो लाइट मिल जाती है। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है पिकअप का, पावर का, मेरे को तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी काफी आपको सही समझ में है, और पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो क्या आप बोलेंगे? मतलब क्या, मतलब ये गाड़ी अगर देखा जाए तो किसको लेनी चाहिए जिसका आप? मेरे हिसाब से वैगनआर से अच्छी लगी मुझे तो। वैगनआर लेने जाओ तो इससे अच्छा ये परचेस करो, थोड़ी सी महंगी है और बलेनो से कम में आती है, लेकिन अच्छी गाड़ी है। हाँ, मतलब एक प्रकार से ये सिटी के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको अगर कम लोग हैं फैमिली में या 2-4 लोग हैं, आपको छोटी गाड़ी चाहिए कॉम्पैक्ट टाइप, 4-5 लोग के हिसाब से ठीक। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें अच्छा मिल जाता, ग्राउंड क्लियरेंस भी हमको मतलब ओके साइड मिल जाता, 180 समथिंग मिलता एग्जैक्ट में मुझे पता नहीं। तो चलिए यही रहा हमारा वीडियो इग्निस का, इसका हमने बिल्ड क्वालिटी नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ हमने कवर अप कर ली है। गाड़ियाँ भी हमारी सिर्फ और सिर्फ 14-15 हज़ार की चली है, तो मतलब बहुत हम लॉन्ग टर्म रिव्यू तो नहीं दे सकते, पर जैसे ही हमारे भाई की गाड़ी है तो जैसे ही ज़्यादा किलोमीटर चलेगी तो हम इसका एक और रिव्यू ले आएंगे और उसमें आपको प्रॉपर बताएंगे कि क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो 3री बार रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कम से कम 3 कमेंट करना तो बनता ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।